शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्यों, तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? देखो बनो मत, तुम नंदिनी के साथ नर्सिंग होम गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उस केस के बारे में बात कर रहे हो तुम? भाई उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बोलो। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। अब प्रशांत कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। देखो, जंग के मैदान में उतरने से या तो जीत होती है या हार होती है। इस खेल में खतरा है, इसीलिए तो खेलने में मजा आ रहा है। मैं तो समझती थी हमारी मुसीबत में अगर कोई सहारा है तो सिर्फ तुम। ओफो, अरे भाई इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मुसीबत के वक्त दिमाग से काम लेना चाहिए। एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए, तब तक मैं जरा आराम से सोचता हूँ। जाओ। वही जिसमें प्रशांत की सारी करतूतें लिखी हुई हैं, नंदिनी वाले। निकल जाओ। जिद मत करो कविता, मुझे वो डायरी चाहिए। मैं कहती हूँ निकल जाओ। क्या कमाल की डायरी है, सबूत ही सबूत। आपका भी जवाब नहीं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी। मैं तुम्हें देवता समझती थी, लेकिन आज पता चला कि तुम कि मैं राक्षस हूं, शैतान हूं, जानवर हूं, है ना? तो फिर इस जानवर से कभी लड़ने की कोशिश मत करना। अलमारी की चाबी लाओ। चाबी लाओ अलमारी की। आज समझ में आया उस दिन क्यों कहा था तुमने, तुमसे कोई चीज छीनी तो उसे बर्बाद किए बगैर तुम चैन की सांस नहीं लेते। प्रशांत ने मुझे तुमसे छीन लिया, तुम मुझे नहीं पा सके, इसलिए बदला लेने आया हूं ना। सखी, इतनी सीधी सी बात समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। मेरी नजर देख के भी तुम्हें पता नहीं चला कि मैं किस तरह तुम्हें न पाकर तड़पता रहा। मेरी आंखों की आग में तुम्हें अपनी बर्बादी नहीं दिखाई दी? कैसी औरत है तुम? तुम्हारे अंदर एहसान मंदी नाम की कोई चीज नहीं, तुम इस घर के टुकड़ों पर पले हो। रोने धोने से आदमी का दिल पिघलता है मिसेस प्रशांत चतुर्वेदी, जानवर का नहीं। इन आंसुओं को बर्बाद मत कीजिए। ओ डॉक्टर चतुर्वेदी, yes, you are under arrest, follow me. Hello, Mrs. Chaturvedi.
Yes. अभी अभी पुलिस डॉक्टर चतुर्वेदी को अरेस्ट करके ले गई। नंदिनी, तुम आ गए? क्या डॉक्टर चतुर्वेदी को? हाँ, प्रशांत तो पकड़ा गया, लेकिन मैं भी फंस सकता हूं। 50% पार्टनर हूं ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस केस का कोई भी गवाह यहां मौजूद रहे। ये लो 10,000 रुपए और अभी बंबई छोड़कर चले जाओ। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूं कि अदालत जब डॉक्टर चतुर्वेदी को सजा देती है तो उनके चेहरे का रंग कैसे बदलता है। बहुत एक्साइटेड नजर आ रही हो तुम। That's bad. That's very bad. तुम्हें शांत करने के लिए कुछ करना होगा मुझे। ये इंजेक्शन दे देता हूं तुम्हें। कैसा इंजेक्शन है ये? बहुत मामूली सा इंजेक्शन है, बिना दवा वाला। इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। इस सुई की नोक को मैं तुम्हारी नस के अंदर चुभाऊंगा और एक छोटा सा हवा का बुलबुला तुम्हारे जिस्म के अंदर डाल दूंगा। ये एयर बबल आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे हार्ट की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा। नहीं सुधीर, सुधीर, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं? नहीं। और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। अब क्या लेने आए हो? ये शरीर? आपको छोड़ दिया पुलिस ने? हाँ कविता, अचानक क्या कुछ हो गया? मैं अपना जुर्म कबूल करने जा रहा था कि सुधीर आ गया। मॉडर्न जीसस क्राइस्ट दुनिया के गुनाहों के बोझ का क्रॉस उठाने के लिए तैयार खड़ा है। वंडरफुल। कब तक मेरे गुनाहों की सजा मुझसे चुराता रहेगा? कब तक? बस बहुत बन चुका मैं तेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी। अगर सजा भुगतने का इतना ही शौक है तो खुद गुनाह करो और सजा भुगत। आपका परिचय? मेरा परिचय आपको अपनी पुरानी फाइलों में मिल जाएगा। वैसे मेरा नाम सुधीर रॉय है, डॉक्टर सुधीर रॉय। नियो नर्सिंग होम का पार्टनर हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, पर गरीबी की कड़वाहट अभी तक मेरी जबान की नोक पर जिंदा है। इसलिए पैसे कमाना चाहता हूं, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी। इसीलिए इससे छुपा करके इलीगल अबॉर्शंस करता रहा हूं। जितने बड़े घर की लड़की उतनी बड़ी फीस। तुम्हारी माँ का फैशन तो अभी तक आया नहीं ना? ये जो लड़की मरी है, इसका ऑपरेशन मैंने किया था। सुधीर, what nonsense are you talking? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये रहे वो केस फाइल जिस पर मेरे दस्तखत हैं, और ये वो 15,000 रुपए उस लड़की की मौत के दाम। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ और अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। इंस्पेक्टर, डेथ सर्टिफिकेट पे जो इसके सिग्नेचर्स हैं, वो इसने मेरी जान बचाने के लिए किए थे। आपको अपने कन्फेशन का अंजाम मालूम है? मालूम करके आया हूं आपसे। 10-15 साल जेल में, और जब जेल से छूटूंगा तो डॉक्टरी नहीं कर सकूंगा, मगर इसे अपने कंधे पर चढ़ के आकाश नहीं छूने दूंगा। सुधीर, मैं... Shut up! And don't try to be smart! एक पालतू कुत्ते की तरह तुम लोगों की मेहरबानी के टुकड़े खा खा कर बहुत दिन जी लिया मैंने। अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, चाहे वो जेल में ही क्यों ना गुजरे, समझे? अफसर मैम, मैं 2 मिनट इससे अकेले में बात कर सकता हूं? जरूर, बट यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू। शांत
ये क्या नाटक कर रहा है तू? नाटक? नाटक तो तू कर रहा है प्रशांत। जब से अमेरिका से लौटा है तूने ये नाटक शुरू कर दिया, लेकिन इस नाटक में तूने मुझे कोई हिस्सा दिया ही नहीं, इसलिए क्लाइमेक्स में तो मुझे आना ही था। प्रशांत, सखी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना, कहना मैंने जो कुछ भी किया घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए किया। वो पैसे और डायरी मैंने जबरदस्ती इसलिए लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को कोई सबूत मिले, इसलिए मैंने नंदिनी को भी बॉम्बे से भगा दिया। प्रशांत, तू पैसे के पीछे भागते भागते बहुत थक गया होगा, जा घर जा। नहीं, मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी आत्मा अपने जमीर के साथ जीना चाहता हूं। जो पाप मैंने किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है प्रशांत, कि तू ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि तेरे किए की सजा मैं भुगत रहा हूं। जा कर जा। इस तरह उसने तो अपनी सारी जिंदगी का कर्जा उतार दिया, लेकिन मैं अब क्या करूं? मैं अब क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान।